गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हमारे सामने जो गाड़ी है नई, वो ऑरा गाड़ी है जो नए फेसलिफ्ट के साथ लॉन्च की है कंपनी ने। अभी लेटेस्टली यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशंस के काम ऑरा में किए जा रहे हैं, तो कुछ इस तरीके का आपको फेसलिफ्ट देखने को मिलता है न्यू ऑरा का, जो यहाँ पर कंपनी ने ऑफर किया है। और इसके साथ ही कुछ इसमें एडिशंस जो मॉडिफिकेशंस हैं वो हम आपको बताएंगे। गाड़ी की कुछ साइड प्रोफाइल इस तरीके की साइड प्रोफाइल आपको देखने को मिलती है जो लगभग सेम है। यहाँ पर सीट का काम, सीट कवर अभी यहाँ पर इंस्टॉल किए जा रहे हैं गाड़ी में, तो सीट कवर लगने के बाद दिखाएंगे आपको कैसी फिटिंग आती है यहाँ पर गाड़ी के सीट कवर्स की। गाइस बात करते हैं गाड़ी के स्टेयरिंग को, रैपिंग किया जा रहा है लेदर टच में यहाँ पर देखने को मिलता है हमें, और ये कुछ इस तरीके से उसको स्टिच किया जा रहा है कवर को। बेस्ट पार्ट ये है कि गाड़ी के इस जो व्हील हमारा, जो स्टेयरिंग का हमारा जो कवर है उसको हम सबसे पहले पेस्ट करते हैं। कवर को ऊपर सेट करने के बाद, पेस्टिंग करने के बाद में स्टिच किया जाता है कि जरा सी भी गुंजाइश ना रहे उसके लूज़ होने की, हल्का होने की। तो फाइनल टच आपको बताएंगे स्टेयरिंग के रैपिंग के बाद किस तरीके का आता है हमारे ऑरा में। कुछ इस तरीके का फीचर्स जो आपको ऑरा के देखने को मिल जाते हैं जो न्यू फेस लिफ्ट के साथ ऑरा अभी लॉन्च हुई है। कुछ ये ऑरा में यहाँ पर 7D मैटिंग्स भी डाली जाएगी। यहाँ पर आपको बता दूँ मैं कि 7D मैटिंग्स यहाँ पर डाली जाएगी। कुछ इस तरीके का बैक प्रोफाइल है ऑरा का जो आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पर एक रियर गार्ड भी यहाँ पर लगाया गया है ऑरा के अंदर। बैक प्रोफाइल से कुछ इस तरह का लुक आता है ऑरा का, तो बहुत ही स्मार्ट लुक के साथ ये गाड़ी अभी कंपनी ऑफर करती है। उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस ऑन है जो हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप काम कंप्लीट होने पर। यहाँ पर आपको मिल जाता है बहुत ही स्टाइलिश स्पॉइलर मिल जाता है, जो आपको टेल लाइट के साथ अटैच होता है स्पॉइलर, वो भी आपको यहाँ स्पॉइलर देखने को मिलता है। प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, और डोर हैंडल आपको जो मिल जाते हैं क्रोम फिनिश में, यहाँ पर डोर हैंडल मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके की साइड प्रोफाइल ऑरा की आपको देखने को मिलती है। ये कुछ साइड प्रोफाइल है ऑरा की जो आपको देखने को मिलती है, जो नए फेसलिफ्ट के साथ अभी आई है कंपनी ने लॉन्च की है। गाइस ऑरा का कुछ इस तरीके का आपको 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी पावरफुल, काफ़ी अच्छा, जो हॉट प्रोडक्ट मानी जाती है अभी ऑरा, उसका ये इस तरीके का 4 सिलेंडर इंजन आपको मिल जाता है। 1.2 लीटर का कापा इंजन जो है ये आपको यहाँ इंस्टॉल किया गया है, जो फेसलिफ्ट के साथ न्यू ऑरा लॉन्च की गई है। ये बहुत ही पावरफुल गाड़ी लॉन्च की गई है यहाँ पर। फाइनल टच जो स्टीयरिंग रैपिंग का है वो चल रहा है अभी, उसके बाद कुछ ही समय में ये बहुत फिनिश टच के साथ देखने को मिलेगा आपको। अभी बाकी जो सीट कवर्स हैं वो चल रहे हैं अभी, उसका वर्क ऑन प्रोग्रेस है अभी। कुछ इस तरीके से कलर में, डैशबोर्ड कलर के साथ मैचिंग में यहाँ पर सीट कवर्स अभी चेंज किए जा रहे हैं। और ये बैक रेस्ट है, जो बैक रेस्ट आप देख रहे हैं ये बैक रेस्ट है जो हमारे रियर सीट का बैक रेस्ट है, इसके ऊपर लग चुका है कवर। और यहाँ पर इसमें अभी फ्रंट सीट में सिटिंग एरिया का लग चुका है, और बैक रेस्ट का अभी कवर इसमें लगाया जाएगा। प्रॉपर बकेट फिटिंग की यहां पर जो है सीट की इंस्टॉलेशन की जाएगी। कुछ इस तरीके से देखिए रिमूव किया जा रहा है इसको, जो ओल्ड फैब्रिक है उस फैब्रिक को निकाला जाएगा, उसके बाद बकेट फिटिंग में सीट यहाँ पर लगाई जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके का ये प्रोसीजर होता है जिससे सीट कवर्स बहुत ज़्यादा, बहुत रिफाइंड क्वालिटी में सीट कवर्स इसमें लगाए जाते हैं। गाइस ये कुछ बात करें तो यहाँ साइड प्रोफाइल की अगर बात करता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये रेन वाइज़र आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और चलिए बात करते हैं स्टीयरिंग, जो हमारा रैपिंग है, स्टीयरिंग रैपिंग कंप्लीट हो चुकी है कुछ इस तरह के फिनिश के साथ। देखिए बहुत शानदार तरीके से रैपिंग की गई है ऑरा के यहाँ पर जो स्टीयरिंग है उसको। और जो यहाँ पर बता दूँ मैं आपको, जो स्टीयरिंग यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिलता है देखने को ऑरा का, वो लगभग वर्ना का सेटअप किया गया है। कुछ नए इंटीरियर के साथ ऑरा का ये नया मॉडल आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है। और सीट कवर्स का काम अभी इसमें चल रहा है बहुत अच्छे, बहुत ही बहुत क्वालिटी लेवल को ध्यान में रखते हुए सीट कवर्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। अभी रेस्ट आपको बताते हैं फाइनल टच सीट कवर्स का क्या आता है। फ्रंट की को ड्राइवर साइड सीट पर अभी सीट कवर लग चुका है।
कुछ इस तरह का आपको देखिए यहाँ पर न्यू फेसलिफ्ट के साथ DRL देखने को मिल जाता है, जो बहुत स्मार्ट लुक देता है। नए फेस लुक के साथ ऑरा का ये बहुत स्मार्ट लुक आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये DRL आपको देखने को मिलते हैं। बात करें अगर न्यू जो ऑरा लॉन्च की है, उसमें यहाँ पर आपको जो ORVM की एडजस्टमेंट है जो आपको दी गई है, ये इनर साइड से ऑटो एडजस्ट दिया गया है कि आप ORVM को अंदर से ही एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये सिस्टम आपको दिया गया है, ये देखिए इस तरीके से, पहले जो कि इस मॉडल में नहीं आता था, अब इस मॉडल में एडिशन किया गया है कि अंदर से ही आप बटन से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। डोर अनलॉक का ऑप्शन है, ड्राइवर साइड सभी जो विंडोज़ हैं आपकी, पावर विंडो कंट्रोलिंग यहाँ पर दी गई है, साइड पैनल पर मिरर एडजस्टमेंट की पावर यहाँ पर दी गई है। कुछ एक फीचर यहाँ पर जो मैं आपको बता दूँ, जो स्टीयरिंग कंट्रोल में एडिशन्स किए गए हैं, वो एडिशन्स में यहाँ पर आपको टायर प्रेशर देखने को मिल जाता है। रनिंग मोड में आप टायर प्रेशर यहाँ से चेक कर सकते हैं कितना है। तो ये कुछ नए एडिशन्स हैं। एंड्रॉयड में यहाँ पर आपको म्यूजिक सिस्टम ऑटोमेटिकली मिल जाता है कंपनी की तरफ से। पुश बटन स्टार्ट जो है यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन ये है कि पुश बटन स्टार्ट, गाड़ी को कीलेस आपकी जो हैंडलिंग है वो यहाँ पर दी गई है। ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है आपको, ये ट्रैक्शन कंट्रोल आपको दिया गया है। फ्यूल कैपेसिटी का यहाँ पता लग जाता है। हेडलाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं अप एंड डाउन, उसका यहाँ पर ये फीचर भी आपको देखने को मिलता है। तो कुछ ये नए फीचर्स जो आपको ऑरा के अंदर मिल जाते हैं, ये एक नए फीचर्स के साथ जो गाड़ी निकाली है, ये हॉट प्रोडक्ट बन चुका है मार्केट के अंदर ऑरा का। तो ये कुछ फीचर्स के साथ दिखाते हैं गाड़ी के, अभी सीट कवर किस तरह का इम्पैक्ट देते हैं, क्या ही लुक आता है निकल कर दिखाएंगे आपको अभी थोड़ी देर में। प्रोफाइल की ऑरा की बात करें तो यहाँ पर आपको देखिए 4 सेंसर कंपनी ने दिए हुए हैं। ये यहाँ पर आपको नीचे कैमरा दिया हुआ है, ये कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। ऑरा का SX मॉडल है ये, जो मैं आपको बता रहा हूँ गाड़ी के बारे में, ये SX मॉडल है, जिसके फीचर्स के बारे में भी थोड़ा सा मैंने आपको बताया। स्पॉयलर आपको कंपनी लगा लगाए कंपनी से मिल जाता है, ऑप्शनल भी है, ये लगवा हटवा भी सकते हैं। स्टैंडर्ड में यहाँ पर आपको मिल जाता है स्पॉयलर, लगा हुआ स्पॉयलर मिल जाता है। इंडी मैटिंग अभी इंस्टॉल की जा रही है ऑरा के अंदर, क्या स्मार्ट लुक दे रही है। गाड़ी के इंटीरियर को बहुत ही ज़्यादा एनहेंस कर दिया है 70 मैटिंग ने। तो देखिए क्या लुक आता है, अभी दिखाते हैं आपको मैटिंग के बाद कि क्या लुक आता है ऑरा के मैटिंग लगने से। तो ये गाइस देखिए कुछ इस तरह की मैटिंग देखिए आप यहाँ पर, कितनी स्मार्ट मैटिंग ये ऑरा में इंस्टॉल की गई, 7D मैटिंग जिसको बोलते हैं। कुछ इस तरीके का लुक देखिए देती है मैटिंग, बहुत स्मार्ट लुक दे रही है, वेरी स्मार्ट। 7D मैटिंग इंस्टॉल की जा रही है बैक साइड में, कुछ इस तरीके से ये मैटिंग आपको देखने को मिलती है। सीट आगे करीब बहुत लुक्स एनहेंस हो गए हैं सीट कवर लगने के बाद, मैटिंग लगने के बाद। रियर में AC वेंट दिया गया है ऑरा में, एक बेस्ट फीचर इसका ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है कि आपको पीछे जो आपके पैसेंजर्स हैं उनको भी AC वेंट और कूलिंग काफ़ी अच्छी इम्प्रेसिव होती है। तो ये 7D मैट्स का इफेक्ट है, प्रॉपर फिटिंग वेलक्रो के साथ यहाँ पर इसकी, ये देखिए ये वेलक्रो लगा है और वेलक्रो के साथ ये 7D मैट्स की कुछ इस तरीके से ऑरा की फिटिंग आती है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट फिटिंग आप यहाँ महसूस कर सकते हैं। कुछ इस तरीके की परफेक्ट सिटिंग आपको फिटिंग मिलती है देखने को ये। तो ये कुछ इस तरीके का सीट देखिए आपको यहाँ देखने को मिलता है, जो बकेट फिटिंग में वो क्या एक स्मार्ट लुक आया है गाड़ी का, वैल्यू फॉर मनी है। और बहुत अच्छे कुछ ये जो मॉडिफिकेशंस ऑरा में हुए हैं, सीट कवर्स आपका 7D मैटिंग्स लगा है, रियर गार्ड लग गया है इसके अंदर, और स्टेयरिंग का कवर इसमें रख गया है, बहुत अच्छे आपको ये फील देते हैं ये जो इसके अंदर मॉडिफिकेशंस हुए हैं। कुछ इस तरीके से ये बहुत अच्छा लेदर फिनिश के अंदर गाड़ी के इंटीरियर के मैचिंग करता हुआ सीट कवर्स यहाँ पर इंस्टॉल करवाए गए हैं। साइड प्रोफाइल में यहाँ पर पिलर A पिलर B आपको ब्लैक मिल जाता है ऑरा में, जो कि इसकी स्मार्टनेस को और एनहांस करता है। कुछ इस तरीके से साइड प्रोफाइल के जो पिलर्स आपको मिलते हैं, पिलर A पिलर B, वो आपको मिल जाते हैं ब्लैक फिनिश में। CNG फिटमेंट के साथ कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको बूट स्पेस भी देखने को मिलता है, जो काफ़ी अच्छे अमाउंट में, मुझे लगता है कि कम से कम 3 से 4 बढ़िया ब्रीफकेस इसके अंदर अभी भी आ सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा बड़ी मतलब जो आपको यहाँ पर सिलेंडर भी देखने को मिलता है, उसके बावजूद भी बूट स्पेस काफ़ी आप यहाँ देख सकते हैं, अच्छी क्वांटिटी में बूट स्पेस भी यहाँ पर आपको अवेलेबल है ऑरा के इस मॉडल में। सो बहुत परफेक्टली एक ये परफेक्ट कार जो मानी गई है
दी बेस्ट कार मानी गई है इसके बूट स्पेस की वजह से भी। सो गाइज अभी हमारे साथ हैं गाड़ी ऑनर राज मेहता जी, तो कुछ बताएंगे लगभग कितना खर्चा आ गया। हेलो फ्रेंड, मैंने इसमें स्टेयरिंग कवर लगाया है, सीट कवर लगाया है, 7D मैटिंग लगाई है और डोर वाइजर लगाया है और डोर गार्ड लगाया है। डोर गार्ड अप्रोक्स ये काम हम बाहर कराते हैं, हम द्वारका में, तो लगभग 15,000 के आसपास का ये काम होता। मेरा यहाँ 10,000 के आसपास में काम। जय ऑटो में आपका ये 10,000 में हुआ। जय ऑटो में मैं बहुत काम कराता हूँ, मैं सोनू जी को बहुत पहले से भी जानता हूँ, हमारे संबंध भी अच्छे और काम भी बहुत अच्छा होता है। वेरी नाइस। तो आपने 5,000 रुपए आज बचाए लगभग और अच्छे काम के साथ बचाए। अच्छे काम के साथ, सेटिस्फेक्शन के साथ। तो ओरा के बारे में बताएं कैसी गाड़ी है। ओरा जबरदस्त है, मेरे पास पहले भी ओरा थी, 3 साल मैंने चलाई है ओरा। हाँ। तो उसके बाद ये एक मॉडल ऊपर है SX। अच्छा। तो ओरा कम्फर्टेबल है माइलेज वाइज भी, और मेरा सेल्स का काम है तो मेरे को काफी सपोर्ट करती है माइलेज में। ज्यादा गाड़ी चलती है आपकी तो आपको बहुत सपोर्टिव है। बहुत सपोर्टिव है। सेडान में मेरे को ये बेस्ट कार लगती है। सेडान में बेस्ट कार लगती है। तो मुझे बताएं कोई एक कमी भी अगर ओरा की लगती है कभी फील आती है। कमी तो इनसोर्स मतलब अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ इन्होंने फीचर्स जो अपग्रेड है, इससे पहले वाले में कमी थी। ओके। जो फीचर इन्होंने अपग्रेड किए हैं उस फीचर के हिसाब से तो ये परफेक्ट है कार अभी। चलिए बताया ओरा के बारे में कि बहुत अच्छा इनका एक्सपीरियंस रहा है राइडिंग का, और क्योंकि सेल्स में है तो गाड़ी काफ़ी चलती है, उस हिसाब से इन्होंने फीचर जो ऐड किए उनसे बहुत हैप्पी कस्टमर है। सो थैंक यू वेरी मच राज जी बीइंग विद अस ऑन आवर चैनल, मिलते हैं आपसे जल्दी ही। सो गाइस ओरा की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलेंगे आपसे हमारे एक और नए वीडियो में। मॉडिफिकेशंस के कुछ पार्ट में गाड़ी के कुछ फीचर्स के बारे में बताएंगे, कंपनी की तरफ से गाड़ी के कुछ फीचर्स क्या दिए जाते हैं, क्या एडिशंस होते हैं। तो ओरा की ये नए फेसलिफ्ट की गाड़ी के साथ हमने आपको बताया गाड़ी के कुछ इनबिल्ट फीचर्स और कुछ मॉडिफिकेशंस। मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक बने रहें हमारे चैनल पर। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।